दोस्तों आप देख रहे हैं लालटेन भोजपुरी और आप लोगों का एक बार फिर से लालटेन भोजपुरी चैनल पर स्वागत है। कल एक वीडियो अपलोड हुआ जनता जंक्शन के द्वारा और उसमें पवन सिंह का एक वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें रोड पे पवन सिंह जा रहे थे। शायद वो नेपाल के शो से लौट रहे थे और सीतामढ़ी में उनका फैन उनको रोक लिया, सेल्फी लेने के लिए गया, पवन सिंह मोबाइल तोड़ दिए और सेल्फी नहीं दिए। ये वीडियो मैंने भी देखा और वीडियो क्लिप देखने के बाद देखिए वहां पे कैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। भला तो एक सुपरस्टार होने के नाते किसी भी पब्लिक प्लेस पे सेल्फी वगैरह देना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि अगर आप सेल्फी देने लग जाएंगे तो भीड़ वहां पे एकत्रित होगा और भीड़ एकत्रित होगा तो वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था, ट्रैफिक भी जाम होता है तो वहां पे ये चीजें डिस्टर्ब होंगी। इस वजह से एक सुपरस्टार को शोभनीय नहीं है ये सारी चीजें कि पब्लिक प्लेस पे घूमे या फिर पब्लिक प्लेस पे लोगों को सेल्फी दे। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि सुरक्षा के हिसाब से भी ये शोभनीय नहीं है कि किसी भी प्लेस पे गाड़ी को रोके वहां पे उतरे। ये दो पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया। अब रहा बात फैंस का, फैंस अब देख लिए अपने सुपरस्टार को तो जाहिर सी बात है कोई भी हम हो कोई भी हो कोशिश करेगा एक सेल्फी ले ले, और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पवन सिंह मोबाइल उनको नहीं तोड़ना चाहिए था, शीशा बंद कर लेते वो एक अलग मैटर होता, बाउंसर समझता अपना वो अलग मैटर होता, मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए था। उन्होंने अपने हिसाब से मोबाइल तोड़ना नहीं तोड़ना, सेल्फी देना वो अलग चीजें हैं। वहां पे सेल्फी लोग लेने लगते, भीड़ एकत्रित होता, लोग समझ जाते कि हाँ पवन सिंह है पवन सिंह है, तो फिर एक बार एक अलग ही वहां पे माहौल बन जाता और प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे गड़बड़ हो सकती थी, ट्रैफिक जाम हो सकता था। इस वजह से उन्होंने इस चीज को रोका, लेकिन उनको मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे जहाँ तक पर्सनली कौन किस सिचुएशन से मोबाइल खरीदा है, अपने पेरेंट्स से खरीदवाया है, कितना रिक्वेस्ट किया होगा, अब कौन कौन समझ सकता है। अब उसका मोबाइल टूटा है वही समझ सकता है, वो फैन है। बाकी एक तरह से देखा जाए नजरिया का बात है, मोबाइल नहीं तोड़ते और सीधा सा शीशा बंद कर लेते तो एक सुपरस्टार को बहुत अच्छा ये देखा जाता कि हाँ ठीक है वहां पे माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इस वजह से गाड़ी से नहीं उतरे, किसी को सेल्फी नहीं दी और मोबाइल लेकर तोड़ देना ये गलत गलत चीज था। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भोजपुरी।